हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। ये आपकी इंग्लिश की क्लास है और आज हम इसमें लेसन टू देखेंगे। आपको नोटबुक में लेसन टू कैसे करना है। आपने पहले फर्स्ट चैप्टर कर लिया इसका, मॉर्निंग रशिंग फैमिली। उसमें हमने किया था न्यू वर्ड्स, देन वर्ड्स मीनिंग और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। आज हम करेंगे सेकेंड लेसन। उस नेम क्या है लेसन का, ऑफ टू स्कूल। तो आपने पहले लेसन टू लिखना है फर्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद लिखना है ऑफ टू स्कूल, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स क्या है, स्कूल, बस, रीड, लर्न, राइट, सिंग, डांस, हेल्थी, आफ्टरनून। ये न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स के बाद आपने एक पेज में ये न्यू वर्ड्स कर लिए। इसके बाद ऐसे नेक्स्ट पेज आएगा जो आपका, उसमें आपको इसी चैप्टर के लेसन टू के वर्ड मीनिंग। आपको लेसन टू बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सिर्फ वर्ड न्यू वर्ड्स करके वर्ड मीनिंग लिख लेना, फिर वर्ड मीनिंग करनी है। रीड पढ़ना, राइट लिखना, सिंग गाना, डांस नाचना, आफ्टरनून दोपहर। तो ये आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं। फिर इसके साथ जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं देखिए। वैसे ही जैसे आपने वर्ड मीनिंग लिखा था, एक पेज पे न्यू वर्ड्स और चैप्टर का नेम आ गया, फिर नेक्स्ट पेज पे हमने क्या लिख दिया, ऐसे वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग किए। फिर आपको नेक्स्ट पेज के पे सिर्फ लिखना है क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स रोहन एंड वानी टू द बस स्टॉप। रोहन और वानी की देखभाल कौन करता है बस स्टॉप पे, उन्हें कौन छोड़ के आता है। तो आंसर है ग्रैंड फादर, उनके दादाजी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू रोहन एंड वानी डू एट स्कूल। रोहन और वानी हैं जो, वो स्कूल में क्या करते हैं। तो इसका आंसर है दे लर्न टू रीड। रीड होता है पढ़ना। राइट, राइट मीन्स लिखना। डू सम्स, सम्स मीन्स सवाल करना। सिंग गाना एंड डांस नाचना। दे लर्न टू रीड, राइट, डू सम्स, सिंग एंड डांस। वो स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सम करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। तो आपने पहले न्यू वर्ड्स, सॉरी, पहले आपने ऐसे न्यू वर्ड्स करने हैं, फिर आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान से करना है इंग्लिश की नोटबुक में, ईवीएस की नोटबुक में मत करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपने ये कंप्लीट करके मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।